तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। वॉइस टाइपिंग वो भी अपनी लैंग्वेज में, लाइक हिंदी, इंग्लिश या और भी कोई आप लैंग्वेज करना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। ये जो फीचर है ना यार, बहुत ही कमाल का है, क्योंकि आजकल के ज़माने में टाइपिंग करना तो बहुत आलस वाला काम होता है। तो उस टाइम आप ये वाला काम कर सकते हैं और जितना भी लंबा लिखना चाहो आप उतना भी लंबा वहाँ पर लिख सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी 2 साल पहले, बट अभी फिर रिमाइंड कर रहा हूँ क्योंकि ये फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। कहाँ मिलेगा, कैसे यूज़ करेंगे, आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन लाइक दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस एड टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ वॉइस टाइपिंग के बारे में। ये बोल सकते हैं कैसे आप अपनी गैलेक्सी में वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से किसी भी लैंग्वेज में। तो उसके लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक करा और आप देखेंगे जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये वॉइस टाइपिंग पे उड़ गया है और वॉइस टाइपिंग से जो भी मैं बोलूंगा यहाँ पर टाइप हो जाएगा। बट ये अभी इंग्लिश लैंग्वेज में है, आप देख सकते हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर काम कर रहा है। आप बोलोगे यार ये तो हमारे वाले में तो आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आया? बिकॉज इसके लिए आपको जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको नीचे की तरफ मिलेगा, तो यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है स्वाइप एंड टच वाले में और यहाँ पर मिलेगा टच एंड होल्ड स्पेस वाला ऑप्शन। आपको उस पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपको वॉइस इनपुट को सिलेक्ट कर लेना है। वॉइस इनपुट को सिलेक्ट करने के बाद अब क्या होगा, जैसे ही आप बाहर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पर वॉइस इनपुट यहाँ पर ओपन हो जाएगा और ये इंग्लिश में टाइप करना चालू कर देगा। आप बोलोगे यार हमें तो दूसरी लैंग्वेज में भी करना है, तो यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे, मतलब यहाँ पर अगर आपने वॉइस को इनेबल कर लिया तो यहाँ पर आप जब क्लिक करके बोलेंगे तो ये सिर्फ इंग्लिश में ही टाइप कर रहा है। अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो वो टाइप नहीं कर रहा है, बिकॉज वो अभी इंग्लिश लैंग्वेज ही यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। तो अब आपको हिंदी करने के लिए यहाँ पर दिखता तो है पर हिंदी में लिख नहीं रहा। हेलो, आप देख रहे हैं हिंदी में नहीं लिख रहा है, वो हिंदी में टाइप नहीं कर रहा है। तो अगर आपको हिंदी में टाइप करना है तो उसके लिए आपको यहाँ सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है वॉइस इनपुट वाले ऑप्शन पे, आपको दिख रहा होगा, आपको वॉइस इनपुट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। वहाँ पर आपको गूगल वॉइस टाइपिंग को इनेबल कर लेना है। इससे क्या होगा, हम सैमसंग कीबोर्ड में ही रहेंगे, बस हमारा जो क्या बोलते हैं टाइपिंग, जब वॉइस टाइपिंग करेंगे तब हम गूगल वॉइस पे चले जाएंगे। कैसे, आपको इनेबल कर लिया है। अब मैं खोल रहा हूँ तो आप देखेंगे मैं अभी वहीं पर ही हूँ, मेरे पास सैमसंग कीबोर्ड ही खुला हुआ है और वही है। अब यहाँ पर आपको हिंदी टाइप करना हो तो आप यहाँ पर प्लस करके रखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हिंदी में भी टाइप होने लग जाएगा। आप देख रहे हैं ये हिंदी में भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और आपको डायरेक्टली हिंदी लिखना है तो आप यहाँ पर सेटिंग पे जाएं। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है ऐड लैंग्वेज में। आप यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को चूज़ कर लीजिए जिसको आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको मिलेगा हिंदी भारत का ऑप्शन, आपको उसको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आएंगे आपको हिंदी भारत, जो भी बहुत सारी लैंग्वेज मिलेगी आपको उसको चूज़ कर लेना है और आप बाहर आ जाइए। अब यहाँ पर, यहाँ पर आप जो भी बोलेंगे वो उसी लैंग्वेज में टाइप होगा जिस लैंग्वेज में आपने वहाँ पर चूज़ कर लिया। आप देख सकते हैं वैसे ही ये काम करने लगा है, तो बहुत ही शानदार फीचर है। सिंपली आपको वहाँ पर गूगल वॉइस को यूज़ कर लेना है और उसके हिसाब से आप यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नई टेक्स के लिए, नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू।